हेलो दोस्तों, आज बनेगी मशरूम की सब्ज़ी और मैंने आलू के साथ मशरूम की सब्ज़ी का प्लान किया है। ये है टमाटर का पेस्ट जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। ये आलू और यहाँ 200 से 250 ग्राम सब मशरूम है। देखिए, ये मशरूम थोड़ा डिफरेंट तरह का है। जो कैन मशरूम मिलता है वो बटन मशरूम होता है और ये थोड़ा डिफरेंट है। ये घर में भी उगाया जा सकता है। आपने जो करने वाली हूँ, ये आलू को मैंने अच्छे से धो के रखा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा पीस में काट लूँगी और बड़ा पीस में काट के इसको मैं फ्राई करूँगी। और मशरूम का जो ये जो पोर्शन है, ये जो स्टेम है, इसको मैं काट लूँगी ताकि ये बड़ा सा मशरूम ना रहे। थोड़ा छोटा छोटा करके काटूँगी और ये अच्छे से उसमें मसाला भी आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको मैं काट लेती हूँ और तब तक पैन चढ़ा देती हूँ गैस में। देखिए, मैंने आलू को इस तरह से काट लिया है और मशरूम का भी स्टेम को काट के रखा है इसमें। किसी चीज़ को भी फेंकना है, यहाँ पर स्टेम को भी ले लेना है। और ये अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया। तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें अब आलू फ्राई करने लगी हूँ। इसमें ऐड करना है हल्दी और नमक। मसाला को मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मशरूम। इस तरीके से आप बना सकते हैं मशरूम, जिसमें कि आप प्याज लहसुन बिना यूज किए भी बहुत ही अच्छा टेस्टी मशरूम का सब्जी बन जाता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए घर में। अब इस मशरूम को फ्राई कर देते हैं। ये मसाला को अच्छे से फ्राई हो जाएगा। चार से पाँच मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं आलू को। मशरूम तो ऑलरेडी फ्राई हो चुका है। देखिए ये कितना यमी लुकिंग हो रहा है। ये आलू भी और मशरूम दोनों ही फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर सकती हूँ। इसमें ऐड करना है गरम मसाला पाउडर।
पानी डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट बॉयल कर लिया। अब इसमें डालूंगी मैं कसूरी मेथी। हाँ, ये सब्जियां बन चुका है, इसको प्लेट में निकाल देती हूँ। आप अगर सब्जी में कम ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप ग्रेवी कम भी डाल सकते हैं। मुझे चावल के साथ खाना है तो मैंने अच्छे से ग्रेवी डाला इसमें।